दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार के कद्दावर मंत्री नवाब मलिक की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। करीब 4 दिन अस्पताल में रहने के बाद एक बार फिर से मलिक को ईडी की हिरासत में लाया गया और फिर से पूछताछ भी जारी है। अब इधर केस में नया ट्विस्ट आ गया है। जी हां, नवाब मलिक के केस में नया ट्विस्ट आया है और खुद नवाब मलिक बड़े दरबार में पहुँच गए हैं, बड़ा चैलेंज कर दिया है। ऐसे में ईडी ने भी पलटवार करते हुए महासबूत खोज डाला है और इसे लेकर बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी है। तो क्या है ये नया ट्विस्ट, क्या है पूरा अपडेट, क्या है 200 करोड़ का ये पूरा गेम चेंजर, आपको बताते हैं सब कुछ। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या अब नवाब मलिक घिर चुके हैं या फिर नवाब मलिक बड़ा पलटवार करने वाले हैं। कमेंट में अपनी बात अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो नवाब मलिक केस में हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं। सोमवार यानी कि 28 फरवरी को नवाब मलिक को जेजे अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था और फिर से ईडी के मलाड स्थित ऑफिस के लॉकअप में लाया गया। अब नवाब मलिक से इंटेंस पूछताछ जारी है, सवालों का सिलसिला जारी है। हालांकि ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक ने अब तक कुछ खास बताया नहीं है और ईडी ने कोर्ट तक में कह दिया है कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इससे नवाब मलिक के अंदाज पर, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। उल्टा नवाब मलिक तो नए तेवरों के साथ पलटवार को तैयार हैं और यहां तक कि मलिक ने तो अपनी तरफ से शुरुआत भी कर दी है। लेकिन ईडी ने 200 करोड़ वाला बड़ा महासबूत ढूंढ निकाला है। अब मलिक का नया एक्शन क्या है, मलिक क्या कर रहे हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ईडी का 200 करोड़ी सबूत देखो और समझो। तो नवाब मलिक पर ईडी ने तेजी से शिकंजा कसते हुए बांद्रा कुर्ला के एक प्रॉपर्टी का पता लगाया है। जी हाँ, बांद्रा कुर्ला अब असली जंग का मैदान बनने जा रहा है। ईडी का दावा है कि बांद्रा कुर्ला में नवाब मलिक के परिवार का एक बड़ा प्लॉट है और इस प्लॉट की कीमत 200 करोड़ रुपए है। जी हाँ, ईडी ने बड़ा दावा किया है कि 300 करोड़ वाले मामले के अलावा ये बड़ा और नया सबूत उनके हाथ लगा है। ईडी सूत्रों के मुताबिक नवाब मलिक के बेटे फराज की टचवुड रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 25% की हिस्सेदारी है और ये प्लॉट उसी से संबंधित है। ईडी ने बड़ा दावा किया है कि ये प्लॉट साल 2006 में खरीदा गया था और 3 बार में इसका भुगतान किया गया। ईडी अब ट्रांजेक्शन से जुड़े लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा टचवुड रियल एस्टेट कंपनी की बैलेंस शीट की स्क्रूटनी से ये भी पता चला है कि नवाब मलिक के बेटे की कंपनी ने एसोसिएट ग्रुप ऑफ कंपनीज के साथ भी 12 करोड़ 70 लाख का लेन देन किया है। और बड़ी बात यह है कि ये 300 करोड़ वाले मामले से अलग बताया जा रहा है। पूरे मामले को आसान भाषा में देखिए और समझिए। ईडी का साफ कहना है कि नवाब मलिक ने इन महंगे महंगे प्लॉट्स को, प्रॉपर्टीज को बेहद कम कीमत पर खरीदा और अब इनमें से किसी की कीमत 300 करोड़ है तो किसी की कीमत 200 करोड़, लेकिन इन्हें 1 करोड़ से भी कम की कीमत पर खरीदा गया, ऐसा ईडी का कहना है। ईडी का ये भी कहना है कि सब कुछ नियमों को तोड़कर, नियमों को अपने हिसाब से मोड़कर और डी गैंग के लोगों के साथ मिलकर किया गया। और अब 200 करोड़ के इस मामले के नए मामले के सामने आने से नवाब मलिक के साथ ही उनके बेटे फराज की भी मुश्किलें बढ़ना तय हैं, क्योंकि अब ईडी ने दावा किया है कि उनके पास 200 करोड़ वाले इस मामले में बहुत बड़ा सबूत या कहें कि महासबूत हाथ लग चुका है जो कि नवाब मलिक को कहीं का नहीं छोड़ेगा। वहीं नवाब मलिक भी कहां चुप रहने वाले थे, नवाब मलिक भी अपनी तरफ से लगातार पलटवार कर रहे हैं। नवाब मलिक ईडी के खिलाफ अब बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट तक पूरे मामले को पहुंचा दिया है। हाईकोर्ट में साफ साफ कहा है कि उनके खिलाफ दायर इस केस को तुरंत ही रद्द किया जाए। उनकी गिरफ्तारी अवैध तरीके से हुई है, उनकी इस गिरफ्तारी को भी तुरंत खत्म किया जाए और तुरंत इमीडिएट प्रभाव से उन्हें यानी कि नवाब मलिक को रिहा किया जाए, क्योंकि ये गलत तरीके से और गैर कानूनी तरीके से हो रहा है। नवाब मलिक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में अपने वकील के जरिए ये सारी बातें कही हैं और ये भी कहा है कि गलत तरीके से उन्हें परेशान किया जा रहा है, यानी कि अब मामला पीएमएलए कोर्ट के साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट भी पहुंच चुका है। पीएमएलए कोर्ट ने ही नवाब मलिक को ईडी की रिमांड पर भेजा था और अब नवाब मलिक इससे बड़ी वाली कोर्ट यानी कि बड़े दरबार बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और नवाब मलिक को उम्मीद है कि बॉम्बे हाई कोर्ट से उन्हें राहत जरूर मिलेगी। अब आगे क्या होगा, क्या हो सकता है, वो भी देखिए और समझिए। तो नवाब मलिक की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई करेगा और हो सकता है कि ईडी से नवाब मलिक की गिरफ्तारी और केस पर जवाब मांगे जाएंगे और अगर ईडी के सबूत और गवाहों से बॉम्बे हाईकोर्ट संतुष्ट नहीं होती है
तो फिर नवाब मलिक की रिहाई का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन अगर बॉम्बे हाईकोर्ट भी शुरुआती जांच को सही मानती है, मलिक के खिलाफ सबूत और गवाहों को सही मानती है, तो फिर नवाब मलिक के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि तब कोर्ट आदेश जारी कर सकती है कि केस जारी रहेगा। और ऊपर से 200 करोड़ वाले इस नए और महासबूत से तो नवाब मलिक की नींद उड़ना तय है, क्योंकि इस बार ईडी की तैयारी और ज्यादा पुख्ता हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अपडेट यही है दोस्तों कि नवाब मलिक भी अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं और ईडी भी अपनी कोशिशें लगातार आगे बढ़ा रही है। तो कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, क्या बॉम्बे हाईकोर्ट से नवाब मलिक को राहत मिलेगी, केस खत्म होगा, या फिर ईडी का महासबूत नवाब मलिक की मुश्किलें कई गुना बढ़ा देगा? आपको क्या लगता है, कमेंट में आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो नवाब मलिक को 23 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन कोर्ट ने रिमांड पर भी भेज दिया। लेकिन जब 24 फरवरी को पूछताछ शुरू हुई तो नवाब मलिक ने कुछ भी नहीं बताया और 25 फरवरी को भी लगभग ऐसा ही हुआ। मलिक ने ईडी के सवालों के जवाब ही नहीं दिए। एनबीटी सूत्रों के हवाले से खबर तो यहाँ तक थी कि मलिक ने ईडी के अफसरों को डराया और धमकाया तक था और गुस्से में एक सिंगल सवाल का जवाब तक नहीं दिया। और उसके बाद 25 फरवरी को ही अचानक नवाब मलिक की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब करीब 4 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन नवाब मलिक जेजे अस्पताल में ही हैं और उन्होंने पूरी तरह ठीक होने से पहले डिस्चार्ज होने से इनकार कर दिया है और अस्पताल से बाहर जाने से मना कर दिया है, जिसके बाद ईडी की हालत ऐसी हो गई है कि करें तो करें क्या, क्योंकि नवाब मलिक कोई सामान्य इंसान तो है नहीं कि उनके साथ जबरदस्ती की जाए। वो महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं और राज्य के ताकतवर मंत्री होने के साथ साथ वो एनसीपी के प्रवक्ता भी हैं। लिहाजा ईडी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, क्योंकि अभी भी ईडी पर बीजेपी के इशारों पर कार्रवाई करने के आरोप लग ही रहे हैं। इसलिए ईडी इस मामले पर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती, लेकिन सच भी सामने लाना है और रिमांड भी 3 मार्च को खत्म हो रही है, तो ऐसे में ईडी ने नई तैयारी कर ली है। जी हाँ, ईडी ने 3 मार्च से पहले नए ऑपरेशन की तैयारी कर ली है और अगर ईडी अपने प्लान में सक्सेसफुल होती है तो फिर नवाब मलिक का प्लान पूरी तरह से फेल हो जाएगा। यहाँ पर ईडी के इस नए ऑपरेशन में भी प्लान ए और प्लान बी यानी कि 2 प्लान है। अब पहले प्लान ए को देखिए और समझिए। तो 3 मार्च को नवाब मलिक की रिमांड खत्म होगी, लेकिन उससे पहले ईडी एक बार फिर से कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। अब ईडी सूत्रों के मुताबिक 3 मार्च से पहले ईडी एक स्पेशल एप्लीकेशन के साथ कोर्ट जाने की तैयारी में है, जिसमें नवाब मलिक को अस्पताल से डिस्चार्ज करने की मांग हो सकती है और यही ईडी का प्लान ए है। ईडी डॉक्टर्स का एक पैनल बनाना चाहती है जो कि नवाब मलिक की जाँच करे और अगर नवाब मलिक ठीक है, उनकी हालत ठीक हो चुकी है, फिर उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज किया जाए और ईडी के हवाले कर दिया जाए ताकि फिर से पूछताछ शुरू हो सके और फिर से नवाब मलिक को ईडी के लॉकअप में डाला जा